अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उसी से मिलकर आ रही हो ना अभी? बताओ हमें कौन है वो? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? बोलो गोपाला, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, कौन है वो? माता रानी, कितना बुरा सपना। ये जानते हुए कि गोपाला के इरादे ठीक नहीं है, हम शांति से नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा। हमें हमारे जीत को गोपाला से बचाना होगा। गोपाला कह रहेगी अब तक आई क्यों नहीं? जीत, इतनी देर हो गई, कहाँ चली गई थी तुम? कहाँ चले गए थे? अरे हम तुम्हें ले काफी बना रहे थे, लो पियो। अच्छा, थैंक यू। कृष्णा को घर से बाहर निकालने का बड़ा काम तो हो गया। अब जल्दी जल्दी प्लान आगे बढ़ाकर हमें वो लेकर यहां से जाना होगा जिसके लिए हम यहां आए थे। हमने बिल्कुल जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कृष्णा अब उस घर से चली गई है। अब हमारा गेम प्लान बिल्कुल सही रास्ते पे है। क्या करें? ये कैसी मुसीबत है माता रानी, कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। ये जानते हुए भी कि जीत अब हमसे प्यार नहीं करता, उसके बाद भी हम उसे किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। पता नहीं गोपाला अब क्या करने वाली है। उस घर में जाकर जीत के साथ हम अब क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। माई, मतलब माता रानी, आप यहाँ? आप सच में? माई कहो या माता रानी, दोनों ही अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं देख सकती, इसीलिए हमें आना पड़ा। आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? अगर हम इस समय अपने घर वापस चले गए तो सब सोचेंगे कि हम हार गए हैं, हमने हार मान ली है। लोग सोचेंगे कि हम कमजोर पड़ गए हैं, इसीलिए घर वापस आ गए। तो क्या तुम लोगों के कहने से कमजोर पड़ जाओगी?
नहीं कृष्णा, तुमने तो अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, वो भी हिम्मत के साथ, और ये समय भी हिम्मत दिखाने का है। जिस तरह राक्षसों का संहार करने के लिए हमें अलग अलग रूप धारण करना पड़ता है, ठीक वैसे ही तुम्हें भी एक अलग रूप लेना होगा, नया रूप लेना होगा। इससे भले ही तुम कुछ समय के लिए अंदर से कमजोर पड़ो, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। भले ही जीत और उसका परिवार तुम्हें अपना नहीं मानता, लेकिन तुम तो उस परिवार को अपना मानती हो ना। और एक औरत अपने परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बात को तुम्हें साबित करना होगा। अंदर से कमजोर होते हुए भी तुम्हें शक्ति का रूप धारण करना होगा। कल प्रातःकाल एक नए आरंभ का प्रारंभ होगा और वही सही समय होगा। तुम्हें एक नया रूप, एक नया अवतार धारण करके अपने घर में दोबारा प्रवेश करना होगा और सब कुछ ठीक करना होगा। नए साल में नई कृष्णा। इसीलिए जल्दी करके कागजात अपने नाम पे कर लेगी तो सबको शक हो जाएगा, और ऊपर से उचित और उसके पापा कृष्णा वाले मुद्दे से बाहर ही नहीं आ पा रहे, चिढ़े हुए हैं। ना ना, ये मुमकिन ना है। कुछ और सोचो, कुछ और उपाय बताओ। तो फिर एक काम कर, तिजोरी की चाबी निकाल वहां की। का? चाबियां? कैसे चाबियां? कुछ नहीं जी, कहा है कि हम जो सोच रहे थे ना वो जुबान पर आ गया। और ऐसा क्या सोच रही थी तुम? यही कि जब कृष्णा ही घर में थी ना तो वो भक्त से तिजोरी की चाबी अपने पास रखती थी, पर अब वो यहाँ नहीं है, पर फिर भी दादी ने तिजोरी की चाबी हमें ना दी। देखो, हमें गलत मत समझना जी, हम तो बस ये पक्का कर रहे थे कि दादी हमें सच में बहू मानती है या नहीं। कैसी बातें कर रही हो गोपाला, अगर वो तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती तो उन्होंने हमारा इतना साथ नहीं दिया होता। और जहां तक बात है घर की चाबियों की, तो कृष्णा ने दादी का भरोसा कमाया था तब जाके उसे वो चाबियां मिली थी, और जिस दिन तुम उनका भरोसा जीत लोगी दादी खुद पे खुद तुम्हें चाबियां दे देगी। ज्यादा सोचो मत इस बारे में, ये सब छोड़ो। आज शाम को न्यू ईयर की पार्टी है ना, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। सब लोग आते होंगे है ना, ये बातें अपने दिमाग से निकालो। ठीक है? ठीक है लामेदारी बिखरेवाल, अगर तुम कह रहे हो तो हम ज्यादा ना सोचते, हम फटाफट तैयार हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। हाँ।
अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।